श्रीमती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि ग्रुटा 1 से 15 जनवरी तक होने वाली सेमेस्टर परीक्षा में सहयोग नहीं करेगा। शिक्षक इस दौरान शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण विवि में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। ग्रुटा के महामंत्री डॉक्टर डीके त्यागी ने बताया कि विवि के एकेडमिक कैलेंडर में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश दिया गया है, लेकिन विवि प्रशासन इसका पालन नहीं कर रहा है। विवि ने 1 से 27 जनवरी तक सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसका ग्रुटा विरोध कर रहा है। इसको लेकर पूर्व में विवि प्रशासन से वार्ता भी हो चुकी है। इसमें सेमेस्टर परीक्षा 16 से 25 जनवरी तक कराने पर सहमति बनी थी, बावजूद इसके परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया, जिस कारण शिक्षकों में रोष है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। हम जो कह रहे हैं, बार बार ये बात आ रही है कि हम परीक्षा में सहयोग नहीं कर रहे हैं। परीक्षा में सहयोग हम पूरी तरह से कर रहे हैं। अब तक के जो प्रोग्राम थे परीक्षा के, हमने अब जितने भी पेपर हैं वो सब अभी संपन्न कराए हैं, और जो बचे हुए पेपर हैं उनको भी हम रीशेड्यूल करने की बात कर रहे हैं। 16 जनवरी से और 25 जनवरी तक का हमने प्रोग्राम दिया है बना करके विश्वविद्यालय को। उनके कंट्रोलर महोदय आए थे, उनके साथ वार्ता हुई, एक कंसोलिडेटेड प्रोग्राम दिया कि 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश, जो कि उनके एकेडमिक कैलेंडर में उन्होंने लिखा हुआ है खुद, उनकी एडमिशन कमेटी की और एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में वो पास होता है, और वो देने के बाद अगर वो चाहें तो इस परीक्षा को जो उन्होंने 27 दिन में फैला रखी है, 9 दिन में हम कंसोलिडेट करा करके और इस सत्र को नियमित कर सकते हैं। परंतु परीक्षक महोदय जो इस समय कंट्रोलर महोदय हैं, वो क्या उनके मन में चल रहा है कि वो इस बात को मानना ही नहीं चाह रहे हैं और हमारे दिए हुए प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने में हो सकता है कि उनको अपनी इंसल्ट महसूस हो रही हो, इसीलिए वो इस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं।